सॉरी कर रही हूँ अम्मा, मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक होता। हवा भरती रहो तुम और बिल्कुल रुकना नहीं, समझे? नहीं तो तुम्हारी हवाबाजी निकाल देंगे हम यहीं की यहीं। कितना बार सॉरी बोलता? 100 बार। What? हाँ, तभी हम जाएंगे तुम्हारा शूटिंग पे। और तुम सोच लो कि यहाँ हवा भरनी है या अपनी फ्यूचर का हवा निकालना है तुम्हें अपनी पिक्चर से आउट होके, सोच लो तुम। इतना ऑक्सीजन तो पूरा अर्थ पे नहीं होता, मैं कहाँ से लाता इतना हवा? करिश्मा सिंह, ये क्या करवा रही है आप इससे, क्या हो रहा है ये? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। क्या क्या है ये मैडम सर? इसने जो किया है ना, ये इसका सजा है। इसके लिए इसको ना भूखे शेर के आगे डालना चाहिए। मैं होता मैं। हवा भरती रहो, तुम रुकना नहीं चाहिए मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम मानते हैं कि इससे गलती हुई है, पर आप भी तो एक और गलती करने जा रही हैं। आपको फिलहाल करीना की शूटिंग पर होना चाहिए। अब आप जानती हैं अच्छे से कि अगर इसके हाथ से फिल्म निकल गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं अपना जान दे देगा। अच्छा, तो फिर हम तुमको खुद ही फेंक कर आते हैं छत से, चलो। नहीं गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, सुना हमने, सब सुना। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, इनके सीने में दिल थोड़ी ना है, पत्थर है पत्थर। ये बेचारी जिए या मरे, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अपने अहंकार का डंका बचता रहना चाहिए। आपको क्या पता पुष्पा जी कि इसने क्या किया है? पता है हमें, सब पता है। बताया हमें संतू ने आपकी सहेली रमा के बारे में। क्या करती बेचारी मैडम सर ये, वो ना इससे चिपके जा रही थी, उसे पीछा छुड़ाने के लिए किया ना इसने सब कुछ। वरना पूरे शहर को पता चल जाता कि शहर में सीता और गीता चल रही है, दो दो करिश्मा सिंह घूम रही है। वही तो। हाँ, और इस तरीके से सजा देने से आपकी और आपकी सहेली के बीच की गलतफहमी तो दूर नहीं होगी ना। वही तो। तुमको पता भी है कि रमा हमारे लिए क्या मायने रखती है? पुष्पा जी, ये जो वर्दी हमारे ऊपर है ना, ये सब उसी की देन है, उसका कर्ज है हमारे ऊपर। जब ये मैडम को कुछ बनने के लिए मुंबई जाना था ना, जब ये पैसे लेके भाग गई थी, तब एक रमा ही थी जो टूटते हुए विश्वास को, हमारे टूटते हुए आत्मविश्वास को संभाल रही थी। हर तरीके से उसने हमारा मदद किया था। पुलिस ट्रेनिंग के लिए जब हमें परीक्षा देना था, तब भी आर्थिक और मानसिक रूप से रमा हमारे साथ खड़ी रही थी, चट्टान की तरह। और इसने एक सेकंड नहीं लगाया उसके एहसानों को ऐसा मटिया मेट करने में। अरे करिश्मा सिंह, अगर आपकी और रमा की दोस्ती इतनी ही गहरी है, तो उसने आपके लिए जो कुछ भी किया है, उसे एहसान कहकर इतने खूबसूरत जज्बात का मलिया मेट मत कीजिए। देखिए करिश्मा सिंह, दोस्तों में रूठना, मनाना, नाराजगी, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब होता रहता है। दोस्त आपसे भले ही कितने दूर चले जाए, लेकिन हमेशा आपके दोस्त ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, रमा हमेशा आपकी दोस्त रहेगी। आप जाइए और बात कीजिए उससे, सारी गलतफहमी दूर कर लीजिए। फोन किया था उसको, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती है। ओ, एक काम कीजिए, आप सीधा उनके घर चले जाइए और जैसे ही वो दरवाजा खोले उनके गले लग जाइए, सारे गिले शिकवे दूर कीजिए, सारा मनमुटाव, सब कुछ तभी के तभी खत्म। अरे वो दोस्त है आपकी, और दोस्तों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी ना लेना पड़ता है। हमें लगता है वो भी आपका इंतजार कर रही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।